बी टाउन की कोई पार्टी हो या हो स्टार्स की लाइफस्टाइल, बॉलीवुड की न्यूज हो या हो सेलिब्रिटीज की डेटिंग, टीवी से जुड़ी हर गॉसिप्स हो या हो कंट्रोवर्सी, हर वीडियो मिलेगा आपको न्यू इंडिया लाइव में। तो देखना ना भूले मेरे साथ फिल्मिस्तान। ये पूरा हफ्ता टेलीविजन के तारों के लिए बेहद दिलचस्प रहा। बिग बॉस 17 के विनर के नाम की घोषणा हो गई। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विनर बन गए। मुनव्वर ने फाइनल में अभिषेक, मनारा और अंकिता को हराकर बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम की। विजेता के तौर पर मुनव्वर ने ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए, मनी और एक ब्रांड न्यू क्रेटा जीत ली है। कमाल की बात तो ये है कि 28 जनवरी को मुनव्वर फारूकी का बर्थडे भी था। उन्हें अपने बर्थडे पर शायद ही इससे अच्छा कोई तोहफा मिल सकता था। अब बात करें अगर पॉपुलर टीवी सीरियल बरसाते की, जो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। शो में कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। अक्सर दोनों को साथ भी देखा जाता था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये दावा किया जा रहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर दोनों एक्टर्स की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं आई है। अब जब बिग बॉस 17 का टाइटल मुनव्वर फारूकी के हाथ लग गया है, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुनव्वर को पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि अभिषेक ज़्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट था, लेकिन जब सलमान खान ही शो के होस्ट हो तो क्या कर सकते हैं। ये तो जाहिर था कि मुनव्वर ही विनर बनेंगे, इसके विजेता की घोषणा होना। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच, तमाम वोटिंग्स के बीच और लंबे इंतजार के बाद बिग बॉस 17 को अपना विनर मिल गया। तो बता दें कि मनार और अंकिता लोखंडे ये दोनों ही बिग बॉस के वो कंटेस्टेंट थे जो अंत तक इस जंग में बने थे। लेकिन अंत किसको पता था, कुछ ऐसा नजर आएगा। वेल, हाल ही में मुनव्वर के फैंस तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर मुनव्वर को जमकर बधाइयां भी दे रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।